नमस्कार, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। ये आपका आवेदन हमें कल मिला है, इसमें आपने 48 घंटे में जानकारी चाहिए एफआईआर की। आपका कहना है कि आपके पति को बिना गुनाह के उनको फंसा दिया गया है और उनके एफआईआर की जानकारी चाहिए थी। तो हाँ, जो एफआईआर की जानकारी चाहिए ना, थाने की जानकारी चाहिए ना आपको। तो ऐसा है कि आपको थाने में आवेदन देना होगा, एक आरटीआई दायर करना होगा वहां पर। थाने में एक आरटीआई आवेदन लिख के दीजिए कि हमें 48 घंटे में जानकारी दीजिए, और 48 घंटे में अगर जानकारी नहीं मिलती है तो वहीं थाने में प्रथम अपील भी दे दीजिए आप, है ना, कि हमारी प्रथम अपील की सुनवाई करिए, फिर 48 घंटे का इंतजार करिए, और फिर मेरे को आप इसी नंबर पर फोन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी जानकारी। ये जो अपील है ना, ये शिकायत बना के दे दीजिएगा कि हमारी अपील की सुनवाई नहीं की गई है, थाने में हमें आरटीआई में जानकारी नहीं दी गई है, और 48 घंटे बाद फिर आप हमको यहाँ पे शिकायत कर दीजिएगा। हम इसको फिर आपको यहाँ से, हम यहाँ से ऑर्डर करवा करके आपकी सुनवाई लगवा करके आपको दिलवा देंगे। आप समझ गई ना, पहले आपको थाने में आरटीआई आवेदन देना है अर्चना जी। आरटीआई आवेदन देने के बाद फिर 48 घंटे इंतजार करना है, और फिर एक और आवेदन देना होगा प्रथम अपील। अगर जानकारी नहीं मिलती है तो प्रथम अपील लगानी होगी थाने में, या वहां जो भी सीनियर अधिकारी होगी उनके पास लगा दीजिएगा प्रथम अपील थाने के। उसके बाद फिर 48 घंटे और इंतजार करिए, और फिर हमारे पास यहाँ पर आयोग में यहाँ पर आप फोन कर दीजिएगा, यहाँ आप व्हाट्सएप से ही अपना आवेदन भेज दीजिएगा, मैं तत्काल यहाँ पे सुनवाई करवा दूंगा। यहाँ सीधे डायरेक्ट यहाँ पर नहीं, आयोग में नहीं आते हैं, पहले आपको वहां पर थाने में लगाना पड़ेगा जानकारी के लिए। ठीक है, आप करिए मुझे और बताइएगा, इसी नंबर पे फोन कर लीजिएगा। नमस्कार।